मुरादाबाद में सदर कोतवाली इलाके के बुद्ध बाजार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही फिल्म के निर्माता, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग का राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म आदि पुरुष में हिंदू देवी देवताओं का षड्यंत्र के तहत जानबूझकर अपमान किया गया है और यह सनातनियों का भी अपमान है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और राइटर ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है, जो किसी भी दशा में माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए सरकार को इस फिल्म का प्रदर्शन पूरे भारत में बंद करके निर्माता ओम रावत और मनोज मुंतशिर के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई फिर से हिंदुओं के सम्मान के साथ न खेले। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है, ये फिल्म आदि पुरुष जिसके अंदर सनातन धर्म की खुले आम धज्जियां उड़ाई गई हैं, इससे समाज में गलत मैसेज देने की सुनियोजित चाल है। मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करता हूं और इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस देश के अंदर सुरक्षित समाज को असुरक्षित करने का प्रयास करा है। वैसे इतनी शक्तियां इस सनातन धर्म को ऊपर लगी हुई हैं और ऊपर से ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जो बैठे हुए हैं हमारी आस्थाओं पर कुठारघात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये चेतावनी देता है, बंद करो। यदि अगर ये बंद नहीं करा तो सड़क के ऊपर ये बजरंगी उतर के इस फिल्म को अपने आप बंद कर देंगे। आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो क्या एफआईआर भी आपकी तरफ से दर्ज एप्लीकेशन? हर चीज की एफआईआर नहीं होती है, जनता की भावनाओं का संज्ञान लिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ तत्काल बंद होना चाहिए। मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग तक करता हूँ कि इस पिक्चर को तत्काल बंद करा जाए, तुरंत बंद करा जाए। क्या ज्ञापन दिया है आपने, आप किसको दिया है? हमने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया है, ये कह करके दिया है कि इस पिक्चर को देश में, पूरे देश के अंदर बंद करा जाए। पुतला फूटने का भी कोई आपका? पुतला फूटने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने केवल अपने ज्ञापन से सरकार को एक अपना रोष जाहिर करा है ज्ञापन के माध्यम से, और हमें उम्मीद है भारत के महामहिम राष्ट्रपति हमारी बात को सुनेंगे, इस पिक्चर को तत्काल बैन कराएंगे।